क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पुआल के ढेर में लगी भीषण आग, आग लगने से हजारों की संपत्ति हुई जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पंचायत भवन पर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, स्वास्थ्य कैंप में भारी संख्या में पहुंचे लोग। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। फांसी के फंदे से लटकता मिला शव, खुली छुट्टी मामले की जांच में। दहेज ना देने पर पत्नी को जबरन पिलाया जहर, महिला की हुई मौके पर मौत। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर बेतिया से है, जहां बगहा पटखौली ओपी थाना क्षेत्र के यमुनापुरम बलिया पंचायत के फरशहनी गांव में पुवाल के ढेर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। बता दें, आग की चपेट में आने से हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जोर गेल बा, एक बकरी जोर गेल बिया, 10,000 रुपया जोड़ल बा, खटिया पलंग सब जोड़ गेल बा, चाउर 1 बोरा जोड़ल बा, आ 1 बोरा मसूरी जोड़ल बा, धान 5 बोरा जोड़ गेल बाटे, बिखो जोड़ल बा में पेटी सही। खबर मधुबनी से है, जहां जिला के रहिका प्रखंड क्षेत्र के इजरा पंचायत भवन परिसर में अव्यवस्थित स्वास्थ्य उप केंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के परिसर में राष्ट्रीय क्षमा उन्मूलन कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की सहयोगी संस्था के द्वारा टीवी स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लाभ लिया। इस दौरान कैंप में जाँच के बाद मरीजों को दवाइयाँ भी दी गयी। लगाया गया हुआ था रहिका स्वास्थ्य उप केंद्र के अंतर्गत, जिसमें विभिन्न तरह का सब लाभार्थी लोग को सुविधा दिया गया, जिसमें ओपीडी भी किया गया। ओपीडी के उपरांत सभी लोग को दवा वितरण किया गया, शुगर का जांच किया गया, बीपी का जांच किया गया, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी डॉक्टर फोरियो के टीम लोग भी आए हुए थे, और राज रहिका के पूरे जो टीम थे, डॉक्टर लोग थे, सब स्टाफ थे, यहाँ पे जो है सभी लोग को सुविधा दिया गया, और जो क्रोधिन जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उनका जो है स्पूटम जांच किया गया। PSC रहिका के द्वारा जांच शिविर लगाया गया था, जिसमें जो सभी है जो लाभार्थी जो आए, इसमें लगभग है जो 90-100 के करीब है जो पेशेंट आए, और इस तरह का जो आगे भी प्रोग्राम चलता रहेगा। और क्या क्या सुविधा दिए थे आपने? इसमें जो शुगर फ्री था, हेल्थ चेकअप फ्री था, बीपी फ्री था, मेडिसिन दिया गया सभी को, उसके बाद कुछ स्पूटम वगैरह भी लिया गया।
खबर नालंदा से है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के चेरो गांव निवासी मोहम्मद सलीम शाह के 32 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शमशेर के रूप में की गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। रोड के साइड में गिरा हुआ है। अच्छा, समझ गए। और जो कि कल के टाइम में इसको सवेरे शाम को देखे हैं, खाना वाना खा के अपना डेरा पर जा रहा था। अच्छा। सुबह हम लोग को मालूम चला कि सब लोग हल्ला हुआ कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो हम आकर देखते हैं तो एक्सीडेंट खोले पूरी तरह से। इसका बाद में प्रशासन लोग आए, अपना लिखित उखित दिए, इसका बाद में हमने जो कि यहाँ लेकर आए। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जी हाँ। खबर नालंदा से है, जहां देर शाम एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक युवक की पहचान सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अहियापुर मुसहरी गांव के रहने वाले युवक के रूप में किया गया है। बता दें, पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतार कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उसके बाद जब हम फोन किए तो फोन रिसीव नहीं किया, और लगातार फ़ोन करने के बाद भी जब नहीं रिसीव किए फ़ोन, तो हम उनको देखने के लिए डेरा के पास आ गए। और डेरा के पास आए तो दरवाज़ा खोले तो देखे कि फंदे में लटके हुए हैं। बस वही सुसाइड, और कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि अभी मतलब क्यों सुसाइड किए हैं। और ऐसा लगता है कि काम उम के वजह से कुछ में मतलब काम उम करते थे तो उसी। खबर नालंदा से है, जहां जिला अंतर्गत बागन बिघा थाना क्षेत्र के 50 गांव में बाइक और सोने की चेन नहीं देने पर पति और ससुराल वालों ने मिलकर महिला को जबरन जहर पिला दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं इस मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बता दें, सभी आरोपित गाँव छोड़कर फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी हुई है। लोगों मिल को जहर दे के मार दिया गया। क्या चीज में जहर दिया था? बरियाई पिला दिया है, घोर के पिला दिया गया। अच्छा, क्या मांगता था ये लोग? ये मांगता था एक गाड़ी मांगता था और चैन मांगता था सोने का। हाँ। कब शादी हुआ था? ये 6 साल हो गया था सर, 6 साल से ऐसे कर रहा। बाल बच्चा भी 2020 में भी सनहा भी पड़ गया। बाल बच्चा भी है इनका? बाल बच्चा भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नवादा से है, जहां ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर कुछ युवकों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट के दौरान परिवार का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
खबर सहरसा से है, जहां एनसीसी हेड क्वार्टर भागलपुर के तत्वाधान में सहरसा 17 बिहार एनसीसी बटालियन द्वारा पुनीत सागर अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्कूल कॉलेजों से आए हुए एनसीसी कैडेटों द्वारा शहर के मत्स्य गंधा झील समेत झील के आसपास साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में 175 एनसीसी कैंडिडेटों ने भाग लिया। पुनीत सागर अभियान की तरह की तरफ से हम लोग का मेन उद्देश्य यहाँ है, सभी जलाशय को साफ करना, साफ सफाई पे विशेष ध्यान करना, आम नागरिक को भी इसके लिए मोटिवेट करना। यहाँ हम लोग जमा हुए हैं 17 बिहार बटालियन के एसएम साहब मोहम्मद रकीब, काशी साहब, मोहन सर और सारे कैडेट्स, मनोहर हाई स्कूल सहरसा के, आरएम कॉलेज के, उसके बाद मनोहर हाई स्कूल बैद्यनाथपुर से आए हुए हैं। सभी हम लोग का मेन उद्देश्य यही है जो आम नागरिकों में मोटिवेशन पैदा करना साफ सफाई के लिए। कितने कैडेट यहाँ पहुँचे हैं अभी? लगभग हम लोग खबर मधुबनी से है, जहां ग्रामीणों ने एक नाबालिग भटकी हुई लड़की को देखते ही जयनगर थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जयनगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने जयनगर चाइल्ड लाइन सब सेंटर की मदद से बच्ची को उसके माता पिता को शाकुशल बरामद किया। बिहार की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम